माइनक्राफ्ट और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और दोस्त और मैं हूं पोकेमोन के सर्वर में और जाके देखते हैं अपने पोकेमोन के सर्वर में क्या होता है नहीं होता है और अपना स्टार्टर पोकेमोन चुनते हैं और शायद से आप पे अपना एक अच्छा सा पोकेमोन चूज करना पड़ेगा। मेरे को मेरा तो पसंद है चार्मेंडर और आपका क्या पसंद है कमेंट करके बताओ। मैं तो चार्मेंडर को चूज करने वाला हूं ताकि मैं आराम से उड़ पाऊं क्योंकि 4000 बन के मैं उड़ सकता हूं। रजिस्टर की प्रक्रिया क्रिया मतलब जो भी हो उसको कंप्लीट करने के बाद हम आ चुके हैं ये लड़की के पास। अरे रैंडम टेलीपोर्टर, ओके लगता है। ओ गाइस, अगर लगता है हम टेलीपोर्ट हो चुके, चलो अच्छा है टेलीपोर्ट हो चुके। और मेरा चार्मेंडर, ओके ये है मेरा चार्मेंडर। भाई कितना अच्छा चार्मेंडर है मेरा। जब मैं यहाँ पे पहली बार आता हूँ तब मैंने देखा कि मेरे सामने एक मतलब इस सर्वर का ओनर आ चुका है और ये ओनर मतलब पता नहीं ओनर है कि कौन है लेकिन ये सर्वर का ओनर ही लग रहा है क्योंकि इसका नाम क्वाय क्वाय है। सर्वर के ओनर के साथ बात करने के बाद मैं चल पड़ा अपने नए सफर पे और पोकेमोन की पकड़ने। ओके यहाँ पे पोकेमोन मिल रहे नहीं यार। ओके भाई नीचे बहुत सारे पोकेमोन, लेकिन मैं ये पोकेमोन को नहीं पकड़ने वाला क्योंकि मेरा चार्मेंडर बहुत कम लेवल का है। और गाइस ये है मेनफोनो मतलब मेरी कैम का मतलब विकसित रूप है और मैं इसे पकड़ना चाहता हूँ और मेरे पास पोकीबॉल भी है। ओके अभी किधर गया? अरे चार्मेंडर कुछ काम का नहीं है मेरा लेकिन मैं तो ऐसे ही पकड़ने वाला हूँ। और गाइस मेरे सामने आ चुका है और मैंने पकड़ लिया शायद एक दो तीन, अरे पकड़ लिया। अरे यार पकड़ने में नहीं आ रहा यार, मेरे पोकेमोन कितने वेस्ट हो गए यार। दोस्तों आधे घंटे वेस्ट करने के बाद आखिरकार मैंने इस पोकेमोन को नहीं पकड़ा क्योंकि पोकेमोन आ रहा ही नहीं था यार, मतलब क्या बोलने का। और जब मैं वो पोकेमोन को पकड़ रहा था मेरे सामने क्वाय क्वाय आ गया और उसने मुझको बहुत सारे पोकेबॉल दिए मतलब डस्क बॉल दिया ताकि मैं वो पोकेमोन को आराम से पकड़ पाऊं। और आखिरकार डस्क बॉल की मदद से मैंने वो पोकेमोन को आराम से पकड़ लिया। और जब मैं निकला था तब मैंने देखा कि मेरे सामने एक मैचोक है और ये मैचोक मतलब मैचैम का विकसित रूप है और इसने मेरे साथ डायरेक्ट फाइट ले लिया और आखिर में मेरे पोकेमोन ने मैचोक को हरा दिया। कुछ समय बाद मुझे चाहिए था एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन ताकि मैं फ्लाइंग टाइप पोकेमोन को यूज करते ही आराम से उड़ पाऊं, लेकिन फ्लाइंग टाइप पोकेमोन दिख रहे थे लेकिन मैं उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो आसमान में थे। जब मैं सामने गया तब मैंने एक ग्रेवलर देखा जो कि जियोडूड का विकसित रूप है, तब मैंने उसे आराम से पकड़ लिया। और जब मैं पोकेमोन पकड़ने के लिए रात को घूम रहा था तब मैंने देखा कि यहाँ पे एक घर था और घर के अंदर एक सबसे खतरनाक जगह था। और जब मैं उस जगह के अंदर आया तब मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे एप्रिकॉन और एप्रिकॉन मशीन है और मैं लग गया एप्रिकॉन से पोकेबॉल बनाने की प्रक्रिया में। और मैंने वहाँ पे बहुत सारे पोकेबॉल को बना लिया ताकि मेरे को सफर में पोकेबॉल की कमी ना पड़े और मैं निकल पड़ा फ्लाइंग टाइप पोकेमोन को पकड़ने के लिए। और आगे जाने के बाद मुझे स्कैमर ही दिखा जो कि स्टील और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन का मिक्सचर है और मैंने इसे पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन ये पकड़ने में नहीं आया और मेरे बहुत सारे पोकेबॉल नीचे गिर गए। और मुझे बाद में पता चला कि मुझे सबसे पहले पीजी पकड़ना चाहिए क्योंकि वो पीजी आराम से मिल सकता है और पीजी बड़ा होकर पीजोटो बनेगा और ताकि मैं उसके ऊपर बैठ पाऊँ। और मैं चल पड़ा पीजी को पकड़ने के लिए और मैंने देखा कि यहाँ पे चिकोरिटा है जो कि जोटो रीजन का स्टार्टर पोकेमोन है और आखिरकार ग्रेट बॉल की मदद से मैंने चिकोरिटा को आराम से पकड़ लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं घूम रहा था तब मैंने देखा कि आप एक घोड़े जैसे दिखने वाला एक पोकेमोन है और आखिरकार मैच के दौरान मैंने पोलिंटा को पकड़ लिया। और ये पोकेमोन बहुत काम का है क्योंकि मैंने इस पोकेमोन की मदद से मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया मतलब सेव किया। थोड़ी देर जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे पीजी बैठे वाला था और मैंने यहाँ पे बहुत सारे पोकेमोन फेंक के मैंने पकड़ लिया। और जब मैं इस पोकेमोन के ऊपर बैठने गया तब मैंने देखा कि ये तो पीजी है और मुझे उसे इवोल्व करके पीजोटो बनाना पड़ेगा ताकि मैं इसके ऊपर आराम से बैठ पाऊँ। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि इसको इवोल्व करते करते मेरा टाइम पूरा चल जाएगा। सर्वर के कमांड की मदद से मैं सर्वर के लॉबी में आ गया और सामने जाके मुझे पोकेमोन का दलाल मतलब पोकेमोन का ट्रेडर दिखा जो कि मैं अपने पोकेमोन को ट्रेड कर सकता था। और मैंने बहुत सोच समझ के बाद मैंने अपने पीजी को एक्सचेंज कर दिया। ट्रेडर के ट्रेड करने के बाद मुझे सार्पियो नामक एक पोकेमोन मिला और ये पोकेमोन बस हुए नहीं जिनके पानी में पाए जाते हैं। और जब मैं लॉबी में घूम रहा था तब मैंने देखा कि यहाँ पे एक सूफी नामक एक बंदा था और मैंने इससे बहुत सारा टीम अप किया और लॉबी में मैंने अपने बहुत सारे दोस्त भी बनाए और उन लोगों ने मेरे साथ पोकेमोन ट्रेड करने के लिए हाँ बोल दिया। और एक बंदे ने मेरे एक ग्रेवलर के बदले अपना खतरनाक पोकेमोन दे दिया और ये पोकेमोन मेरी सोच से कुछ ज्यादा ही बड़ा था और लगता है कि ये जंबो है। और मैंने वहाँ के दोस्तों से कहा मुझे फ्लाइंग टाइप पोकेमोन चाहिए और आखिरकार वो बंदा मान गया और उसने मेरे सिक्योरिटी के बदले इसने एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन दे दिया। और ये पोकेमोन डायरेक्टली कौवे के सीखता था और ये पोकेमोन के ऊपर बैठने के बाद मैं आराम से चला गया। और वर्ल्ड में आने के बाद ये कौवे ने मेरा बहुत सारा टाइम सेव किया और इस कौवे की मदद से मैं किधर से भी आसानी से जा सकता हूँ। और मेरा जंबो जिसे दिखने वाला हाथी वाला पोकेमोन भी बहुत खतरनाक है। कुछ समय बाद मुझे खतरनाक पोकेमोन दिखा जिसका नाम लाउड्रेड था और मैंने इसे बहुत सारे पोकेबॉल फेंक के पकड़ लिया। और जब मैं पानी के पास घूम रहा था तब मैंने देखा कि पानी के पास एक लैप्रेस है। आधे घंटे मेहनत करने के बाद आखिरकार मैंने लैप्रेस को पकड़ लिया और मैं निकल पड़ा लैप्रेस की दलाली करने मतलब ट्रेड करने। और जब मैं लॉबी में आया तब मैंने सबको बोला कि मेरे पास एक लैप्रेस है और उन लोगों ने मान लिया और एक बंदे ने लैप्रेस के बदले एक साइनी इकैंस को ट्रेड करने के लिए रेडी हो गया और मैंने उसे कहा। और आखिर में वो बंदे ने अपनी ग्रीन निंजा के बदले मेरा एक लैप्रेस मांगा और मैंने उसे रेडी कर दिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, अगली बार मिलते हैं अगली और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।